इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। ये मैं वही लाइन बजा रहा हूँ, ता दिन दिन दादा दिक ता दिन दिन, पहली लाइन गजल की। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब दूसरी लाइन है, अब अगर और दुआ दोगे तो था दिन दिन दाते था तू ना तेरे के था दिन दिन, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सबके लिए, ख़ास तौर पर जो नए तबला वादक हैं जिन्होंने अभी नया नया सीखना शुरू किया है और जो थोड़ा बहुत बजाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम गज़ल के साथ में किस प्रकार से तबला बजाया जाता है और उसका क्या फॉर्मेट होता है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से किसी भी गज़ल के साथ में एक प्रॉपर जो तबला बजता है वो बजाने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं किसी भी गज़ल में, ख़ासतौर पर दादरा ताल की गज़ल में किस प्रकार से तबला बजाया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसको किस प्रकार से बजाया जाता है, ये सीखते हैं। आज हम विलंबित जो गज़ल होती हैं उनके साथ में तबला किस प्रकार से बजाया जाता है ये सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, गज़ल में एक स्थाई होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है, स्थाई होती है जिसकी दो लाइनें होती हैं, कहीं तीन लाइनें भी होती हैं, उसके बाद अंतरा होता है, अंतरे दो तीन अलग अलग होते हैं। तो स्थाई में कैसे बजाया जाता है, स्थाई के बाद उसकी सेकंड लाइन में कैसा बजाया जाता है, उसके बाद उसमें जो म्यूज़िक आता है इंटरल्यूड बजता है उसमें किस प्रकार से तबला बजाया जाता है, और उसके बाद अंतरे में और अंतरे के बाद जो लग्गी बजाई जाती है उसमें किस तरह से तबला बजाया जाता है, उसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप अपने हाथ के अनुसार, अपने तबले के अनुसार उसमें कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सा ठेका देखते हैं दादरा ताल का। दादरा ताल क्या होती है, छह मात्रा की, धा धी ना धा ती ना। अब ये धा धी ना धा ती ना जो ताल है ये सीधे सीधे धा धी ना धा ती ना नहीं बजाई जाती है, इसकी जगह पर हम एक ठेका बजाते हैं जो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने बजाया ये धा दीना धा तीना है, धा दीना धा तीना। जब गजल में ये ठेका बजाना होता है तो हम बजाते हैं धा धा तिट धा धा तिट ता धिन धिन। इसको कई प्रकार से बजाया जाता है, धा धा तिट ता धिन धिन धा तिट ता धिन धिन, धा तिट ता धिन धिन, धा तिट ता धिन धिन। पहले तो ये बजाया जाता है जो गज़ल की पहली लाइन होती है, उसके बाद पहली लाइन जो गज़ल में किसी भी गज़ल की स्थाई में दो लाइनें होती हैं, पहली लाइन ये हो गई, उसके बाद सेकंड लाइन आती है। सेकंड लाइन में कैसे बजाया जाएगा, इसी को और भर देते हैं जिससे जो गाना होता है वो और खूबसूरत हो जाता है। दूसरी लाइन में क्या बजाया जाता है, जैसे पहले हमने बजाया धा धा तिट ता धिन धिन, तिट हमारा पुराना बोल, धा धा तिट ता धिन धिन, ये हमने बजाया। सेकंड लाइन में धा धिन धिन धा धिन धिन, फिर धाती धा धिन धिन धाती, फिर धा तू ना तीर किट या त्रक, अगर तीर किट, वैसे तो त्रक बजाया जाता है लेकिन अगर त्रक आपसे नहीं बजता है तो तीर किट बजाइए। इसको मिक्स करते हैं, धा धिन धिन धा ती धा तू ना तीर किट, धा धिन धिन धा ती धा तू ना तीर किट, तू ना की जगह तीना भी आप बजा सकते हैं। तो इसको मिक्स करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन बजाते हैं, पहले इसको एक बार और देख लेते हैं,
धा धिन धिन धाती धा और ती बीच वाली उंगली से धा तू ना ती रख के ट। इसको एक साथ बजाते हैं धा धिन धिन धाते धा तू ना ती रख के ट धा धिन धिन धाते धा तू ना ती रख के ट। पहले हमने बजाया धा धा ते ट ता धिन धिन धा धा ते ट ता। सेकंड लाइन धा धिन धिन धाते धा तू ना ती रख के ट धा धिन धिन धाते धा तू ना ती रख के ट धा धिन धिन धाते धा। ये हो गया फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में हमने बजाना सीखा। उसके बाद आता है म्यूजिक का पीस, इंटरल्यूड उसको बोलते हैं। उसमें थोड़ा इसको वेस्टर्न किया जाता है, या वेस्टर्न नहीं भी किया जाता है तो हम ये जो सेकंड लाइन में हमने बजाया इसी को बजाते रहते हैं, नहीं तो आप वेस्टर्न भी इसमें बजा सकते हैं। कैसे वेस्टर्न बजाना है, पहले चिपकाया आपने टिट टिट। मैंने अपने पुरानी वीडियोज में भी इसका वेस्टर्न दादरा के नाम से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। दो तरह से बजता है, पहले टिट टू, फिर पीछे से ना तू ना तू ना तू ना 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 ना। ये हो गया, इसमें डग्गा लगा दिया। फिर से देखते हैं, टक दा 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 ये म्यूजिक में हो गया। पहले हमने बजाया धा धा टिक ता धिन धिन धा धा टिक ता धिन। सेकंड लाइन धा धिन धिन धा धा तू ना ती रख के ट धा धिन धिन धा धा। फिर आया इंटरल्यूड, अगर ये आपसे नहीं बज रहा है तो इसकी जगह डायरेक्ट यहां से बजा सकते हैं। धा धा धा, ये हो गया आपका इंटरल्यूट में। उसके बाद फिर से अंतरा गाने का आ जाता है। अंतरे में हम क्या बजाते हैं, फिर से वही ठेका अपना, ले आ गए फिर अंतरे में भी। जब सेकंड लाइन आती है या शुरू की दो लाइनों में हम यही बजाते हैं, फिर थर्ड लाइन आती है तो उससे फिर से चेंज करते हैं वही जो हमने स्थाई की सेकंड लाइन में बजाया था। ये इसका बेसिक है, आप इसको और भी इसमें वैरायटी आप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसा कि लाइन में बजा, लेकिन इसका बेसिक यही है धा धिन धिन धा धा तू ना तेरे के धा धिन धिन धा धा। ये आप बजाने सीखिए, उसके बाद फिर आगे इसमें और भी आप भराव कर सकते हैं, जैसे धाति के निधाति के निधाति के निधा तक तू ना फिर के धा तक दिन दिन धा ते धा तक तू ना फिर के धा तक धाति के निधा तक तू ना धा ते। कुछ भी आप बजा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन जब खत्म होती है उस जगह पर आप द्रुत वाला जो दादरा है, थोड़ा सा द्रुत डबल लय में आप बजा सकते हैं। वो कैसे, ये धा धा तू ना धा तू धा धा तू ना धा तू धा धा तू ना धा तू धा धा तू ना धा तू, या ये या धित धित ता गे धित ता धित धित ता गे धित ता धित धित ता धित धित ता गे धित ता। ये हो गया, या धा धा यहाँ तक गए। इसके बाद लगाई जाती है लग्गी। लग्गी कैसे लगाई जाती है, कोई भी आप में लग्गी सीखी होगी, आप सिंपल लग्गी आप बजाइए धा तीर किट तक धीन गिन धा तीर किट तक धीन गिन, या धागे धीन गिन धागे धीन किन धागे धीन गिन धागे धीन किन धागे धीन गिन धागे धीन किन, या धागे धीन किन धागे धीन गिन। कुछ भी आप बजा सकते हैं, या धा तीर किट तक धीन गिन धा तीर किट तक धीन गिन धा तीर किट तक, या धा
इस तरह की कोई सी भी लगी आप बजा सकते हैं। उसके बाद तिहाई लगा सकते हैं, नाना तिट नाना तिट नाना तिट, या लगी के अकॉर्डिंग जो भी आपको तिहाई आती है वो उसको लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गया पूरा। अगर इस फॉर्मेट के साथ आप बजाते हैं तो एक गज़ल गाने वाले को भी मज़ा आएगा, सुनने वाले को भी मज़ा आएगा और आपको भी बजाने में मज़ा आएगा। ये एक पूरा फॉर्मेट है, इसको आप याद कर लीजिए। आप किसी भी गज़ल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर जो जो हमने सीखा है उसको किसी गज़ल के साथ में एक बार फिट करके देखते हैं। तो एक मैं गुलाम अली साहब की गज़ल उसको गुनगुनाता हूँ, उसके साथ में ये सारी चीज़ें हम लगा के देखते हैं कि वो गज़ल इन सब चीज़ों को लगाने के बाद कैसे कैसे लगती है। तो आइए देखते हैं। गुलाम अली साहब की एक गज़ल है, दादरा ताल में ही। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, ये फर्स्ट लाइन। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा, ये दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन में जो हमने बजाया था वो बजाएंगे, दूसरी लाइन में जो हमने बजाया था धा धिन धिन धा ति धा तू ना तिरकट, उसके बाद म्यूजिक पीस आएगा, उसके बाद अंतरा आएगा। अंतरे में जो हमने स्थाई की पहली लाइन में बजाया था वही बजाएंगे, फिर उसको डबल करेंगे, फिर लगी किस प्रकार लगती है और तिहाई किस प्रकार लगा के सम पे आते हैं ये हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले अब हम गज़ल शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी उठान लगाएंगे। क्या उठान लगाएंगे? जैसे हम सीधा सीधा बजाते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं आता, एक साथ जब कुछ उठान लगा के या कुछ कोई बोल बजाकर हम गज़ल पे सीधे सम पे पहुँचते हैं तो उसकी एक खूबसूरती होती है। जैसे मैंने शुरू किया गाना, इतना टूटा, ये मैंने क्या किया, तिरकट तिरकट, ठीक है। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, ये मैं वही लाइन बजा रहा हूँ, ता दिन दिन दादा तिट ता दिन दिन, पहली लाइन गजल की। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब दूसरी लाइन है, अब अगर और दुआ दोगे तो, ता दिन दिन दाते ता चूना तिरकट ता दिन दिन, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। तिहाई लगाई मैंने इसमें, दादा तिरकट दादा तिरकट दादा तिरकट, बहुत बेसिक तिहाई है। क्या किया मैंने, अब अगर दा दिन दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। फिर क्या किया, ये खत्म हो गई दोनों लाइनें, स्थाई की पहली और दूसरी। अब इंटरल्यूड बजेगा। इंटरल्यूड में हमने क्या सीखा था, या नाना तिट नाना तिट नाना तिट। आइए अब क्या शुरू हो रहा है, अंतरा शुरू हो रहा है, नाना तिट नाना तिट्टे नाना तिट्टे ना, यहाँ रोक दिया मैंने इसको। अब अंतरा है, पूछ कर मेरा, अभी अंतरा शुरू हो गया। अब अंतरा क्या है, पूछ, ये मैंने खत्म किया, नाना तिट्टे नाना तिट्टे नाना तिट्टे ना, पूछ कर मेरा, फिर फर्स्ट लाइन दादा तिट ता दिन दिन, पूछ कर मेरा पता वक्त राय गाना करो, ता दिन, म्यूजिक आ गया। पूछ कर मेरा पता वक्त राय गाना करो, सेकंड लाइन, मैं तो बन जा, छोटा सा मैनेजमेंट,
ये लगाया, उसके बाद मैं तो सेकंड लाइन मैं तो बंगार हूँ, फिर वही बजने लगा धा दिन दिन दाते धा चुना तेरे कटे धा दिन दिन दा मैं तो बंगार हूँ क्या जाने किधर जाऊँगा अब अगर और फिर सेकंड लाइन इस चीज को आप थोड़ा पहले से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से लगा रहा हूं। क्या हुआ? अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा इतना डबल लगी लगा लगता मैं टूटा आ तेरे के तक दिन गिन दा तेरे के ऐसे बिखर जाऊंगा मगर मर जाऊंगा। फिर वही आ गए, क्या दिहाई लगाई मैंने, दादा तेरे के दादा तेरे के दादा तेरे के दादा, फिर वहीं आ गए। तो इसकी जगह आप कोई भी लगी लगा सकते हैं, कोई भी तिहाई लगा सकते हैं, ये एक बेसिक तिहाई है, इसको आप लगा सकते हैं। अब अगर इस तरह से आप किसी भी गाने में अगर फॉर्मेट के हिसाब से आप बजाएंगे तो आपका तबला और आपका गाना जो भी है बड़ा सुंदर लगेगा और सभी को उसमें आनंद आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह से और सुंदर सुंदर वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।